जस्तो आफ्नो यहाँको बचाउने राख्नु हो कि मुम्बई जेमा रनक र चपाती हिन्दुस्तानी खाइन्थ्यो। यो बात थियो कि वो दोनों करते थे पहले, लेकिन क्या हो गया आज रौनक भाई को। उन्होंने पोस्ट किया है 15 मार्च 2018, क्या तू भूल गया जब तेरा 177 सब्सक्राइबर थे और मेरे 6000। और ये भी कहा था कि वो जिसने इसको हेल्प किया उस सबको धोखा दिया। तो रौनक भाई, आप तुम इसे क्यों बोल रहे हो? ये तो बहुत इंसाफ हो गई है तुम्हारी, तुम इसे बात नहीं कर सकते। रौनक भाई, एक बार वीडियो प्लीज देखना। ये भी लिखा हुआ है जिसने हेल्प किया उसी को धोखा दिया है, ये तो मुल्की नामुमकिन है यार। चपाती हिंदुस्तान गेमर अपने मेहनत से, बम्बी भाई अपनी मेहनत से वो चैनल को बनाते हैं और तुम उसमें पानी फेर रहे हो। क्योंकि मैं तो कहता हूँ पानी मत फेरो उसमें, मम्मी भाई बहुत हार्ड है, यू नो। और तुम्हें पता है उसमें पैगो जादूगर भी है और वो बहुत फन है, और इसलिए वो ज़्यादा फ़ोन करते हैं। तो चपाती हिंदुस्तानी मम्मी भाई, आपको टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि रौनक भाई को हम समझाएंगे। रौनक भाई एक बस एक मामूली कुत्ता है, छोड़ दो, कुछ भी नहीं होगा उससे। और एक बात, बम्मी भाई ने योट भी किनी थी 10 मिलियन की, और रौनक भाई ने भी किना, और वो कह रहे हैं कि मैं 60,000 का ये याच किन रहा हूँ, पर इसमें तो कोई टेंशन नहीं, इसमें ये याच नहीं हो सकता। 19 मिलियन डॉलर की याच है ही नहीं GTA 5 ऑनलाइन में, सबसे बड़ा है 10 मिलियन। तो ये रौनक भाई का झूठ है, मैं कह सकता हूँ इजी से। रौनक भाई बहुत बहुत ही पागल हो चुके हैं, उन्हें छोड़ दो सब। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको बम्मी भाई पसंद है? रौनक भाई, मुझे तो बम्मी भाई बहुत पसंद है, क्योंकि वो अपने मेहनत से वो कैसे आते हैं। पर रौनक भाई सब ये फार्मिंग करते हैं, कुत्ता फार्मिंग करता है जीते भाग। रौनक भाई बहुत अच्छे नहीं हैं, उनके चैनल में अभी 9,000 सब्सक्राइबर होते थे, उनके पास इतना सब्सक्राइबर क्यों आ गया? क्योंकि उनके पहले एक चैनल भी था, उसमें बहुत सारे सब्सक्राइबर थे और उन्होंने दोनों को मिला दिया, इसलिए वो ऐसा करते हैं, नहीं तो उनके अभी 9,000 सब्सक्राइबर होंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, आज मैं जा रहा हूँ।